खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा की ओर से एक नई महत्वपूर्ण योजना स्थापित की गई है, जिसको एडवेंचर एकेडमी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को साहसिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार की ये पहल लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई थी, लेकिन महती रूप से इस योजना का प्रचार प्रसार पिछले 2-3 वर्षों में प्रारंभ किया गया है और हरियाणा सरकार ने मिल्खा सिंह जी के नाम से हरियाणा एडवेंचर एकेडमी की स्थापना की है और इस एकेडमी का मुख्यालय मोरनी में रखा गया है। आमतौर पर साहसिक गतिविधियों से युवाओं का रुझान ना के बराबर रहा था, लेकिन सरकार की महती योजनाओं के माध्यम से एडवेंचर एकेडमी के प्रति रुझान पैदा करने के लिए अनेक कोर्स हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ आमतौर पर 15 से 35 वर्ष के युवाओं को दिया जाता है, जिनमें वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेनिंग जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं इन युवाओं के माध्यम से आरंभ की गई हैं। इस योजना का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं को एडवेंचर एकेडमी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए जाएँ। एडवेंचर एकेडमी के माध्यम से जो कोर्सेज हरियाणा सरकार द्वारा करवाए जाते हैं, उनमें उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ आने जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है और ये कोर्स आमतौर पर मनाली में, उत्तराखंड में और हरियाणा में आयोजित किए जाते हैं। और इस योजना में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवेंचर एकेडमी के माध्यम से युवाओं को पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड तक पहुँचने के लिए तेंजिंग नोर्गे अवार्ड की स्थापना की गई है। तेंजिंग एक ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने पर्वतारोहण में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था और उनके नागालैंड के तेंजिंग नोर्गे के नाम से ये अवार्ड प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार इसमें लाखों रुपए तेंजिंग नोर्गे अवार्ड विजेता को प्रदान करती है और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री और मिलिट्री और डिफेंस जैसी सर्विसेज में एडवेंचर एकेडमी के माध्यम से अपना भाग्य आजमाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने उद्देश्य के प्रति रुझान पैदा करने के लिए सभी मार्ग उपलब्ध करवाए हैं और इन मार्गों के माध्यम से युवा आमतौर पर एडवेंचर एकेडमी के माध्यम से अपना भविष्य आजमा रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1000 से भी अधिक युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और इन प्रशिक्षणों का लाभ लेकर युवा आगे अपना भविष्य आजमाते हैं। इनमें 15 दिन के और 1 महीने जैसे बेसिक एडवांस कोर्स हरियाणा सरकार द्वारा करवाए जाते हैं और इन कोर्स को करवाए जाने को लेकर जब भी किसी तरह का निर्णय लिया जाता है तो आमतौर पर जिला स्तर पर चयनित कमेटी द्वारा ऐसे युवाओं का चयन किया जाता है जिनका रुझान एडवेंचर एकेडमी में होता है। जिला स्तर पर जिन युवाओं को चयनित किया जाता है उनको राज्य स्तर पर ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देने के उपरांत ये तेंजिंग नोर्गे अवार्ड तक पहुँचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा सरकार ने पर्वतारोहियों के लिए 5 लाख रुपए वजीफे के प्रारंभ किए हैं और पर्वतारोही जो पर्वतारोहण में नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं उनको हरियाणा सरकार उनकी उपलब्धि के आधार पर रोजगार भी उपलब्ध करवाती है। और इस तरह अब तक लगभग 15 से अधिक युवाओं को हरियाणा सरकार एडवेंचर एकेडमी के माध्यम से उनकी योग्यता के अनुसार से रोजगार उपलब्ध करवा चुकी है, जिनमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य विभागों में भी उनको रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें DSP से लेकर अनेक महत्वपूर्ण पद उनको युवाओं को दिए गए हैं जिन्होंने पर्वतारोहण में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।